प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि बेसिकली ताकि आवाम में एक मैसेज आए कि जो पुलिस है वो शाना बशाना उनके साथ खड़ी है और काम कर रही है। चुनाचे आप सबको मालूम है कि DIG साहब की हदायत पे और जो हमारे SSP साहब हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे बड़ी टारगेट ओरिएंटेड पुलिसिंग करते हैं वो। तो उन्होंने हमें कहा था कि आपने ये मैक्सिमम लोगों को रिलीफ देना है और जो उनका मसरूका चीज़ें हैं वो बर वक्त बरामद करनी है। तो हमने इस तरह किया कि 2 हफ़्ते ये बड़ा हमने मेहनत से काम किया, ये पहले शुरू से भी चल रहा है, लेकिन इन 2 हफ़्तों में हमने तकरीबन 20 के करीब जो हैं वो मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। इसके अलावा हमने 15 एक मोबाइल रिकवर किए हैं और एक कार रिकवर की है जो जहाँ से चोरी हुई थी। ये सिर्फ इन 2 हफ़्तों की कार्रवाई है, ये सिर्फ उन चीज़ों की कार्रवाई है जिनमें व्हीकल्स हैं या फिर मोबाइल फ़ोन हैं, ये वो हैं जो अभी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी थे जो मौके पर चोर पकड़े गए, उनसे जो चीज़ें बरामद हुई तो फौरी तौर पर इंस्टेंट रिलीफ के तौर पर फौरन लोगों को दे दी गई। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमने उनके अलावा ये हमारी जो है ना वो कारकर्दगी है। ये मेरे साथ SHO साहबान बैठे हैं, ये बड़े मेहनती हैं, हर वक्त ये इस चीज़ में रहते हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। चुनाचे अगर मज़ीद बात की जाए तो इसके अलावा जो दूसरी डकैतियाँ हैं या जो शॉप रॉबरीज हैं वो हमने आलमोस्ट क्लियर की, उनके जो सही मुजरिम थे उनको पकड़ा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की गई और फिर उनकी लोगों की रिकवरी भी की गई। वो इंशाल्लाह ताला हम फिर बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमने दुकानों से या जो रॉबरी होती है डकैती होती है उनकी हमने कितनी रिकवरी की। वो चुनाचे हमने करोड़ों मालियत की जो डकैतियाँ हैं वो हमने अनअर्थ किए हैं, अनकवर किए हैं और हमने पहले ट्रेस किया है, फिर उनको अरेस्ट किया है और इस तरह करके ये हमारा काम चलता रहेगा। तो आप ये खुद भी जानते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की है, मेहनत की है दिन रात कि हम लाड़काना में जो क्राइम है वो रेडिकली और ग्रेजुअली जो है ना वो बड़ा नीचे लेके आएँ। तो आप देख रहे होंगे शहर में अमन की फ़िज़ा कायम है। तो ये आज जितने हमारे साथी आ सकते थे उनको हमने बुलाया और उनको इधर रिकवरी दी, कुछ लोगों की रिकवरी थाने पर ही होगी, कुछ की मौके पर ही हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम करने की ये कोशिश करते हैं कि आवाम, अगर आप देखें तो अगर आप लोगों से मिलें, चुनाचे आप कुछ लोगों से बातचीत होती है तो वो ये है, लेकिन अब अगर आप जाके मिलें तो आवाम इतनी मायूस नहीं है, आवाम बड़ी खुश है। तो आवाम को हम रिकवरियाँ दे रहे हैं, जितना क्राइम होता है सारा ट्रेस होता है, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाया गया है, इनक्रोचमेंट को ख़त्म कर रहे हैं हम। इसके अलावा और भी हमारी मेहनत जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला, आवाम मज़ीद जो है वो हमसे करती रहेगी।